जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिमाचल प्रदेश का लाल अरविंद सिंह अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी दुख की खबर है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंध रखने वाले अरविंद सिंह अपने देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकवादियों के मुठभेड़ में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के मुठभेड़ के दौरान सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले अरविंद सिंह, पूरे राज्य में उनके लिए शोक की लहर है। हमीरपुर के रहने वाले थे शहीद जवान अरविंद सिंह। भारतीय सेना में कार्यरत अरविंद सिंह जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू के हथौल गांव के रहने वाले थे। यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी ग्रह विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अरविंद सिंह के सर्वश्रेष्ठ बलिदान पर दुख व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अरविंद सिंह के बलिदान होने पर दुख व्यक्त किया। जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके पैतृक गांव में लगी तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन की पंचायत हथौल के गांव लाहर निवासी अरविंद सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह वर्ष 2017 में भर्ती होकर भारतीय सेना के 20 डोगरा बटालियन में अपनी सेवा शुरू की थी। वर्तमान में वह राष्ट्रीय राइफल की डोडा किश्तवाड़ा क्षेत्र में तैनात थे। जानकारी के अनुसार डोडा किश्तवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवान अरविंद सिंह गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सेना की ओर से जैसे ही अरविंद के शहीद होने की खबर परिजनों को मिली तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। एक माह पहले ही छुट्टी काटकर लौटे थे ड्यूटी पर। शहीद के पिता राजेंद्र सिंह ने बताया कि अरविंद सिंह एक माह पहले ही 15 दिन छुट्टी काटकर घर लौटे थे। शुक्रवार सुबह ही बेटे ने 10 बजे वीडियो कॉल कर माध्यम से पूरे परिवार से बातचीत की। शुक्रवार शाम 3:45 बजे बटालियन से फोन की सूचना मिली कि किश्तवाड़ा में चल रहे ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के मुठभेड़ में अरविंद सिंह अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बता दें, शहीद के छोटे भाई भी 8 डोगरा बटालियन में है और इस समय जम्मू में ही तैनात है। वहीं शहीद के दादा देवी सिंह भी आर्मी से सेनावृत्ति हुए हैं। वहीं शहीद का पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद जवान अरविंद सिंह का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शहीद अरविंद सिंह को सत नमन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मर मिटने वालों का बस यही निशा होगा, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही निशा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।